सुविधाओं की कमी थी, किताबें नहीं थी, स्टेशनरी नहीं थी, खेलने के खिलौने नहीं थे, लेकिन जब से खुशी परियोजना आई है तब से सुविधाएं बढ़ी है। रंगीन चित्र की किताबें, पेंसिल, स्लेट, कलर और तरह तरह के खिलौने आए हैं। फिसल पट्टी, गेंद, बल्ला, स्कूल की यूनिफॉर्म, पोशाकें, बस्ते, ये दिए जब से हमारे केंद्र पर बच्चों की संख्या बढ़ी है। जो माता पिता मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, वो जो आंगनबाड़ी पे बच्चों को लाने में असमर्थ है, उनको हम घर घर जाकर लेकर आते हैं। आंगनबाड़ी में जाता है, आराम से रहता है, खाना अच्छे खिलाता है, अच्छा पढ़ाते लिखाते हैं, और मैडम सर सब अच्छा रखते हैं, ध्यान लगाते हैं, पढ़ाते हैं। आंगनबाड़ी से मैं खुश हूँ। हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दिया कि आप बच्चों की कैसे अच्छे से देखभाल कर सके, और साथ ही बच्चों को खेल खेल में कैसे पढ़ाए और सिखाया जाए। खुशी परियोजना के प्रशिक्षण से हमें यह सीखने को मिला है कि शिक्षा का अर्थ पढ़ाई से नहीं होता है। शिक्षा का मूल अर्थ बच्चों का शारीरिक, मानसिक, रचनात्मक, संवेदनात्मक एवं सामाजिक विकास। बाल बच्चे को वहाँ आंगनबाड़ी भेजते हैं और पोया भी खिलाते हैं, कभी खीर बना देते हैं, कभी नाश्ता पानी कराते हैं और कभी कभी सुनाते हैं। अच्छा खेल खिलाते हैं, अच्छा पढ़ाते लिखाते हैं, और मैडम भी अच्छा ध्यान रखती है। हमारे को ये हाइजीन किट मिला है, इससे हमारे आंगनबाड़ी के बच्चे नाश्ते से पहले व खाने से पहले साबुन से हाथ धोते हैं, जिससे हमारे बच्चे स्वस्थ रहे, बीमारियों को दूर भगाए, मस्त रहे। बच्चों की आदत सी हो गई है, घर पे भी खाना खाने से पहले ऐसे ही हाथ धोते हैं। हाथ धोकर रोटी खावे, मानने भी खेवे भी, हाथ धो रोटी मिलाओ, लक्ष्मी देखो। हमारे बच्चे हाथ धोकर खाना खाते हैं और हमको भी बोलते हैं, मम्मी आप भी साबुन से हाथ धोकर खाना खाया करो। खुशी परियोजना से उपलब्ध सुविधाओं का अब लाभ दिखाई देने लग रहा है। पोसार की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। पोसार पूर्ण रूप से आहार नियोजन के रूप में दिया जा रहा है। पहले के मुकाबले बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा है और अच्छी आदतों का विकास हुआ है। मेरी बेटी अंशु जो काफी दिनों से आंगनबाड़ी में जा रही है, 2 साल हो चुके हैं उसे, और 2 साल में उसने बहुत कुछ सीख लिया है, जैसे कविताएं, ABCD बोलना, गिनती, पढ़े, ऐसे बहुत सीखा है। घर पे आके भी वो इन चीजों का प्रयास करती है, सीखती भी है। हमने प्रशिक्षण के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अनयूज्ड मटेरियल का बेहतरीन उपयोग करना सिखाया, जैसे मिट्टी के खिलौने बनाना, पेपर क्राफ्ट बनाना, कपड़ों से गुड़िया बनाना, टायर के साथ शारीरिक गतिविधि कराना और बच्चों के साथ कंकड़ पत्थर रंगवाना। हम आंगनबाड़ी केंद्र पर कम खर्च में अधिक से अधिक सामग्री बनाने का कार्य करते हैं, ताकि कम खर्च में वो सीखने सिखाने की सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। हमने कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे जहां केंद्र रिपेयरिंग की आवश्यकता थी वहां रिपेयरिंग करवाई, कहीं फर्श टूटा हुआ है तो वहां फर्श लगवाया। इसके साथ ही केंद्र के प्रति आकर्षण बढ़े, इसके लिए वॉल पेंटिंग की पार्क बनवाए, ताकि बच्चों को साफ, सुरक्षित व रचनात्मक माहौल मिल सके। हमने जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों से संपर्क किया और उनका काफी हमें सहयोग मिला। मैं ग्राम झोपड़िया का वार्ड बंच और समाज सेवक हूँ, और आंगनबाड़ी की आवश्यकता के लिए मुझे बताया गया, और इसके लिए मैंने बच्चों के खिलौने किट भेज किए और सर्दी के लिए गर्म वस्त्र भेज किए। आगे भी कोई जरूरत होगी तो मैं दिला करूँगा। खुशी परियोजना वाले हमारे पास आए, आंगनबाड़ी योजनाओं से अवगत कराया, उन्होंने बताया कि वहाँ फर्श खराब है, तुरंत पंचायत द्वारा फर्श का काम, कलर का काम, बाउंड दीवार का काम कराया, और समय समय पर हम आंगनबाड़ी पर जाते हैं, वहाँ की गतिविधियाँ देखते हैं, जो भी समस्या होती है उसको दूर करने में मदद करते हैं। खुशी परियोजना के द्वारा जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का कार्य जो चल रहा है उससे बहुत बेहतर नतीजे प्राप्त हुए हैं, और खुशी परियोजना से बच्चों के ठहराव व उसकी उनकी उपस्थिति उनमें भी काफ़ी सुधार आया है। खुशी परियोजना के द्वारा सेंटर्स में जो बाल लाभ पेंटिंग की जा रही है, मरम्मत का कार्य भी किया जा रहा है, वो काफ़ी बेहतर है। मेरी बच्ची आंगनबाड़ी जाती है और मेरी बच्ची को आंगनबाड़ी से ड्रेस मिली है और कलर की किताब भी मिली है।
और जब मेरी बच्ची घर पे आती है तो कलर भी भरती है, कभी तभी बोलती है, और पहले से मेरी बच्ची अब होशियार हो गई है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आने वाले टाइम में जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, उससे भी ज़्यादा आंगनबाड़ी में मेरी बच्ची होशियार हो जाएगी। आंगनबाड़ी एक तरह से काम बढ़िया कर रही है, जो प्राइवेट स्कूलें सिखा रही है ना, वही आंगनबाड़ी सिखा रही है। तो आंगनबाड़ी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। केयर इंडिया द्वारा कृषि परियोजना का क्रियान्वयन विगत 3 वर्षों से हिंदुस्तान जिंक के सहयोग से भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के 3-3 बाल विकास परियोजनाओं में किया जा रहा है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य ICTS विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं को बेहतर बनाना, खासतौर पर शाला पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण की सेवाओं को बेहतर बनाना। खुशी परियोजना आने से आंगनबाड़ी केंद्रों में काफी बदलाव आया और आगे भी खुशी परियोजना यदि कार्य करती रही तो ये सारा लाभ आंगनबाड़ी के बच्चों को और गाँव के ग्रामीण जन को मिलता रहेगा। आंगनवाड़ी केंद्रों के खुलने में सुधार के साथ साथ बच्चों की उपस्थिति में भी काफी सुधार हुआ है व बच्चों के भाषा विकास के स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आया है। केयर इंडिया खुशी परियोजना के माध्यम से बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर प्रदान करने हेतु हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, साथी संस्थाओं एवं जिला प्रशासन का आभार प्रकट करता है।